गुड मॉर्निंग। बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास हिस्ट्री पेडागोजी के अंतर्गत पढ़ेंगे इतिहास की अवधारणा एवं पाठ। आज इस प्रकरण के माध्यम से पढ़ेंगे कि इतिहास क्या है और इतिहास का क्या अर्थ है और उसकी अवधारणाओं के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से संपूर्णतया जानकारी वो प्राप्त कर सकेंगे। अतः आज हमारा प्रकरण है, इसी आधार पर हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं इतिहास का अर्थ, इतिहास क्या है क्या नहीं है, इसके संबंध में जानकारी है वो आपको दी जाएगी। वास्तविक रूप से देखा जाए तो इतिहास क्या है, एक अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा है, क्रमबद्ध तरीके से उसको लिखा जाता है, वही इतिहास कहलाता है। इस प्रकार से इतिहास के अर्थ के संबंध में जानकारी है वो इस प्रकार से। इतिहास शब्द अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण है। इतिहास शब्द क्या है, अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण है और इसकी उत्पत्ति जो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से ये हुई है, जिसका वास्तविक अर्थ यह माना जाता है कि घटित होना है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है। इसका वास्तविक अर्थ है कि क्या घटित हुआ है, अर्थात इतिहास एक सार्वजनिक घटनाओं का क्रमबद्ध लेखा जोखा है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि इतिहास एक क्या है, किसी भी प्रकार की घटनाओं या सार्वजनिक घटनाओं का एक क्या है, क्रमबद्ध तरीके से उसको लिखने की एक परंपरा है या उसका लिखने का एक क्या है, लेखा जोखा भी कह सकते हैं। इस प्रकार से यह इतिहास का अर्थ था। इस इतिहास का अर्थ एक बार हम वापस से रिपीट करते हैं, इतिहास है वो क्या है। इतिहास शब्द की जो इतिहास शब्द है जो अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण है और इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है, जिसका वास्तविक अर्थ होता है घटित होना। अर्थात हम कह सकते हैं कि इतिहास क्या है, सार्वजनिक घटनाओं का क्रमबद्ध लेखा चौका भी है। फिर इतिहास के संबंध में कुछ विद्वानों की परिभाषा है वो इस प्रकार से। पहली परिभाषा हेनरी जॉनसन के अनुसार भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। हेनरी जॉनसन ने कहा है कि भूतकाल में जो भी घटनाएं घटित होती है उन घटनाओं का इतिहास, उन घटनाओं को भी हम क्या कहते हैं, उन घटनाओं को जो लिखा जाता है वही वही इतिहास कहलाता है। अर्थात हेनरी जॉनसन ने यह कहा है कि भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख क्या कहलाता है, इतिहास है। फिर नेक्स्ट है रैफसन के अनुसार इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। इतिहास का संबंध क्या है, रैफसन ने कहा है कि इतिहास घटनाओं या विचार व्यक्ति के विचारों का की उन्नति है। इतिहास घटनाओं या व्यक्ति के विचारों की उन्नति है और उसका सुसंबद्ध विवरण है। उसका सुसंबद्ध तरीके से जो विवरण किया जाता है वही इतिहास कहलाता है। फिर नेक्स्ट है टाइवेनी के अनुसार इतिहास, टाइवेनी ने भी इतिहास की परिभाषा दी है जो काफी अच्छी है, वो इस प्रकार से है। इतिहास गतिशील मानव व्यवहार की खोज है। इतिहास क्या है, एक गतिशील मानव व्यवहार की खोज है, जो मानव के जीवन के व्यवहार को गतिशील बनाए रखने के जो खोज की जाती है वही इतिहास कहलाता है। ये टाइवेनी ने परिभाषा दी है, काफी शॉर्ट और रोचक परिभाषा है। फिर प्रोफेसर घाटे के अनुसार, एक महान दार्शनिक है यूरोप के जो प्रोफेसर घाटे, उनके अनुसार इतिहास क्या है, उनके अनुसार इतिहास हमारे संपूर्ण मानव जीवन, हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। प्रोफेसर घाटे ने भी इतिहास को क्या बोला है कि हमारे इतिहास जो हमारे संपूर्ण जीवन का अंतर्गत जब भूतकाल में घटनाएं घटित होती है उनका क्या एक वैज्ञानिक लेखा जोखा है, वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इसी संबंध में मैटलैंड के अनुसार जो इतिहास की परिभाषा है वो इस प्रकार से है। मैटलैंड ने इतिहास की परिभाषा इस प्रकार से दी है, मानव ने जो कुछ भी किया है, मैटलैंड के अनुसार मानव ने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी किया है और जो कुछ भी कहा है, यहाँ तक कि जो कुछ भी उसने सोच, उसके सोचने की उपज है वो भी क्या है, इतिहास कहलाती है। तो मैटलैंड ने भी इतिहास की बहुत ही साधारण सी परिभाषा दी है जो इस प्रकार से है कि मानव के द्वारा जो कुछ भी मानव करता है और जो कुछ भी मनुष्य कहता है, जो कुछ भी मनुष्य अपने दिमाग में जो विचार लाते हैं लाता है वही इतिहास कहलाता है। इस प्रकार से इतिहास की अवधारणा और अर्थ के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार से थी। इतिहास का व्यक्ति के जीवन में काफी महत्वपूर्ण
योगदान देता है। यह इतिहास के द्वारा ही व्यक्ति अपने अतीत की जानकारी है वो प्राप्त कर सकता है और अपनी सभ्यता से रूबरू हो सकता है। अतः इतिहास का व्यक्ति के जीवन में काफी विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः इतिहास मनुष्य के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के एक प्रथम सीढ़ी होती है। यदि मनुष्य को अपना अतीत ज्ञान नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में वह अपने अतीत का संबंध जानकारी है वो नहीं प्राप्त कर पाएगा। अतः व्यक्ति को अपने जीवन से संबंध व्यक्ति को अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है तो अपने जीवन से संबंधित भूतकालीन घटनाओं को देखना होगा और जिसके आधार पर भी वह अपने इतिहास के बारे में जानकारी है वो प्राप्त कर पाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि इतिहास के द्वारा ही मनुष्य अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से रूबरू हो सकता है। यदि इतिहास नहीं होगा किसी भी चीज का तो वो अपनी संस्कृति से रूबरू नहीं हो पाएगा। अतः ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में इतिहास का बहुत ही काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः इस प्रकरण के माध्यम से भी हमने आपको इतिहास की अर्थ के संबंध में जानकारी दी और इसकी कुछ विद्वानों के अनुसार जो परिभाषाएं थी वह भी इस प्रकार से थी। अतः हम क्या यह भी कह सकते हैं कि इतिहास क्या है, एक विस्तृत लेख है जो अतीत की घटनाओं पर आधारित होता है जिसके आधार पर मनुष्य अपने अतीत की बातों को स्मरण है वो कर सकता है। अतः व्यक्ति के जीवन में इतिहास का विशेष महत्व है। अतः इस प्रकार से आज ये हमारा टॉपिक था इतिहास की अवधारणाएं और जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था इतिहास की दृष्टि से। अतः आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।